19 दिसंबर 2023 को होने वाला है आईपीएल का ऑक्शन। ऑक्शन में भाग लेंगे लगभग 300 प्लस खिलाड़ी। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का नया कप्तान घोषित किया। मुझे लगता है कि यह थोड़ी सी नाइंसाफी जरूर हुई है रोहित शर्मा के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो कल यानी 19 दिसंबर 2023 को होने वाला है आईपीएल का ऑक्शन। इसी ऑक्शन से हमें पता चलेगा कि कौन से प्लेयर्स किस आईपीएल टीम्स के लिए खेलने वाले हैं, और इस ऑक्शन में भाग लेंगे लगभग 300 प्लस खिलाड़ी। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि आईपीएल टीम्स ने किन किन खिलाड़ी को रिटेन किया है और किन किन खिलाड़ी को रिलीज कर दिया गया है, वो कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जिन्हें टारगेट करना चाहेंगी टीमें। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम इसी तरह से लाते हैं क्रिकेट की जानकारियाँ और साथ ही आपको बताते हैं मैच से पहले टीम के प्लेइंग 11 के बारे में और टीम न्यूज़ के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो उनके स्क्वाड में फिलहाल 13 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 4 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। और रिलीज़ किया गया है जिन प्लेयर्स को, कोलकाता ने रिलीज़ किया है जिन प्लेयर्स को, वो हैं आर्यन देसाई, डेविड विजे, जॉनसन चार्ल्स, कुलवंत खेजरोलिया, लिटन दास, उमेश यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, मनदीप सिंह, जगदीशन, साकिब अल हसन, शार्दुल ठाकुर और टीम सऊदी। इन 12 प्लेयर्स को रिलीज़ किया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और उनके पास जो अवेलेबल स्लॉट हैं वो हैं 12, जिसमें से 4 ओवरसीज प्लेयर्स के स्लॉट खाली हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स को इस ऑक्शन में पिक करना है 12 प्लेयर्स को, और उनके पास जो अवेलेबल पर्स है, यानी कि जो मनी, यानी कि जो अमाउंट वो स्पेंड करने वाले हैं इस ऑक्शन में, वो है 32.7 करोड़। और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जिन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहेंगी वो होंगे जेराल्ड कोटजिए, जो कि एक फास्ट बॉलर हैं, दिलशान मधुशंका, जो श्रीलंका के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और अजमतुल्ला उमरजाई, अफगानिस्तान के प्लेयर, हर्षल पटेल और हार्विक देसाई, जो कि इंडियन विकेट कीपर हैं। तो इन सारे प्लेयर्स को टारगेट करना चाहेंगी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान होगी उनके कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों में। तो चलिए अब देखते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो फिलहाल उनके स्क्वाड में 19 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 6 ओवरसीज के प्लेयर्स हैं, और उन्होंने रिलीज़ किया है अर्पित गुलेरिया, डैनियल सैम्स, जयदेव मुनाडकट, करण शर्मा, करुण नायर, मनन वोहरा, सूर्यांश शेगले और स्वप्निल सिंह को। तो इन 8 प्लेयर्स को रिलीज़ करने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के पास जो अवेलेबल स्लॉट हैं वो 6 हैं, जिसमें से 2 ओवरसीज प्लेयर्स के स्लॉट हैं, और उनका रिमेनिंग पर्स है 13.15 करोड़। और इसी 13.15 करोड़ में जिन प्लेयर्स को एलएसजी की टीम टारगेट करेगी वो होंगे यश दयाल, कुलवंत खेजरोलिया, शाहरुख खान, माइकल ब्रेसवेल और मुजीबुर रहमान। तो इन प्लेयर्स को जरूर से ज़रूर टारगेट करेगी एलएसजी की टीम, और एलएसजी की कमान रहेगी उनके कप्तान केएल राहुल के हाथों में। तो आइए अब बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस के पास फिलहाल 17 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 5 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, और उन्होंने रिलीज़ किया है क्रिस जॉर्डन, ड्वेन जॉनसन, ऋतिक शौकीन, जाय रिचर्डसन, जोफ्रा आर्चर, मोहम्मद अरशद खान, राघव गोयल, रमनदीप सिंह, रेले मेरेडिथ, संदीप वॉरियर और ट्रिस्टन स्टब्स को। और इन प्लेयर्स को रिलीज़ करने के बाद उनके पास जो अवेलेबल स्लॉट है वो है 8, जिसमें से 3 ओवरसीज प्लेयर्स पिक करने हैं मुंबई इंडियंस को, और मुंबई इंडियंस की कमान रहेगी हार्दिक पांड्या के हाथों में। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का नया कप्तान घोषित किया गया है, और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी नाइंसाफी ज़रूर हुई है रोहित शर्मा के साथ। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस का कप्तान बने रहना चाहिए था, या फिर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना के मुंबई इंडियंस ने सही फैसला किया है। मुंबई इंडियंस के अवेलेबल स्लॉट्स की बात करें तो मुंबई इंडियंस के पास है 8 स्लॉट, जिसमें से 3 ओवरसीज प्लेयर्स पिक करने हैं उन्हें, और उनका रिमेनिंग पर्स है 15.25 करोड़। और इसी 15.25 करोड़ में जिन प्लेयर्स को मुंबई इंडियंस टारगेट करने वाली हैं वो होंगे जेराल्ड कोटजिए, जो कि फास्ट बॉलर हैं, उसके बाद ब्यूरोन हेंड्रिक्स, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका के, मनिंदु हसरंगा, श्रीलंका के स्पिनर, मुजीबुर रहमान और जॉर्ज लिंडे। तो इन प्लेयर्स को टारगेट करेंगी मुंबई इंडियंस की टीम। आपको क्या लगता है दोस्तों कि कौन कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम टारगेट करेंगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब बात करेंगे मेरी फेवरेट टीम यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उनके स्क्वाड में फिलहाल 19 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 5 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, और उन्होंने रिलीज़ किया है आकाश सिंह, अंबाती रायडू, बेन स्टोक्स, भगत वर्मा, ड्वेन प्रेटोरियस, काइले जेमिसन,
सुशांडा मगाला और शुभ्रांशु सेनापति को। और अंबाती रायडू, जैसे आपको पता ही होगा कि उन्होंने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, और लास्ट आईपीएल जो था आईपीएल 2023 उनका आखिरी आईपीएल था। तो अंबाती रायडू फिलहाल रिटायर हो चुके हैं और उनके पास, चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो अवेलेबल स्लॉट हैं वो है 6, जिसमें से 3 ओवरसीज प्लेयर्स पिक करने हैं और उनका रिमेनिंग पर्स है 31.4 करोड़। यानी कि 31.4 करोड़ में उन्हें पिक करने हैं 6 प्लेयर्स, और उनका टारगेट होगा शार्दुल ठाकुर, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहले भी खेल चुके हैं। तो शार्दुल ठाकुर के लिए ज़रूर जाएंगी सीएसके की टीम। फिर इसके बाद होंगे रोमन पॉवेल, उनका टारगेट, क्योंकि पिछले ऑक्शन में भी दिल्ली कैपिटल्स से उनकी भिड़ंत हुई थी रोमन पॉवेल को लेने के लिए, और आखिर में दिल्ली कैपिटल्स ने रोमन पॉवेल को लिया था। रोमन पॉवेल के बाद सीएसके के टारगेट होंगे क्रिस वॉक्स, और आखिर में सीएसके की टीम जाना चाहेगी फास्ट बॉलर जेराल्ड कोटजी के लिए, क्योंकि जेराल्ड कोटजी हालिया फॉर्म में काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और तेज़ गेंदबाजी करते हैं, और सीएसके को चाहिए एक तेज़ गेंदबाज। इस कारण से सीएसके की टीम जरूर जाएगी जेराल्ड कोटजी के लिए इस ऑक्शन में, और चेन्नई सुपर किंग्स की कमान होगी कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में। चलिए अब बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उनके पास, उनके स्क्वाड में फिलहाल 16 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 5 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। उन्होंने रिलीज किया है अमन खान, चेतन सकारिया, कमलेश नागरकोटी, मनीष पांडे, मुजीबुर रहमान, फिलिप सॉल्ट, प्रियम गर्ग, रेली रोसो, रिपल पटेल, रोमन पॉवेल और सरफराज खान को। तो इन 11 प्लेयर्स को रिलीज करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के अवेलेबल स्लॉट हैं 9, जिसमें से 4 ओवरसीज प्लेयर्स पिक करने हैं दिल्ली कैपिटल्स को, और उनका रिमेनिंग पर्स है 28.95 करोड़। और इसमें से 28.95 करोड़ में से जिन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम, वो होंगे दिलशान मधुशंका, श्रीलंका के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, शाहरुख खान, पावर हिटर, रोमन पॉवेल जिनको उन्होंने रिलीज़ किया था, फिर से उन्हें रेलना चाहेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम, माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, और डेविड विली इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर। तो इन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स की कमान होगी डेविड वार्नर के हाथों में। तो चलिए अब बात करेंगे गुजरात टाइटंस के बारे में। तो गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को रिलीज़ किया है, और उनके जो स्क्वाड हैं उनमें 18 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 6 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, और गुजरात टाइटन्स ने रिलीज़ किया है अल्जारी जोसेफ, दसून सनका, केस भरत, ओडियन स्मिथ, प्रदीप सांगवान, शिवम मावी, उर्विल पटेल और यश दयाल को। और उनके पास जो अवेलेबल पर्स है वो है 23.15 करोड़, जिसमें से अवेलेबल स्लॉट्स हैं गुजरात टाइटन्स के पास वो हैं 7, जिसमें से 2 ओवरसीज प्लेयर्स पिक करने हैं गुजरात को, और उनका टारगेट होगा ट्रेविस हेड, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया था। तो गुजरात टाइटन्स के टारगेट होंगे ट्रेविस हेड, शाहरुख खान, हार्विक देसाई इंडियन विकेटकीपर बल्लेबाज, और शार्दुल ठाकुर, और साथ ही टारगेट करेंगे मिचेल स्टार्क को गुजरात टाइटन्स की टीम। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से प्लेयर्स होंगे जिन्हें टारगेट करना चाहेंगे गुजरात टाइटन्स की टीम? और फिलहाल गुजरात के नए कप्तान हैं शुभमन गिल, जिन्हें की पहली बार टीम की कमान सौंपी गई है, और काफ़ी यंग कप्तान है शुभमन गिल। तो देखना होगा कि इस आईपीएल में किस तरह से कप्तानी करते हैं शुभमन गिल। तो चलिए अब बात करेंगे पंजाब किंग्स की। तो पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स की कमान होगी उनके कप्तान शिखर धवन के हाथों में। उनके जो प्लेयर्स हैं वो हैं 17, जिसमें से 6 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, और जिन प्लेयर्स को रिलीज़ किया है पंजाब ने वो हैं बलतेज ढांडा, भानुका राजपक्षा, गुरनूर सिंह ब्रार, मैथ्यू शॉट, मोहित राठी, राज अंगद बावा और शाहरुख खान को। तो इन 7 प्लेयर्स को रिलीज़ किया है पंजाब किंग्स ने, और उनके पास जो अवेलेबल पर्स है वो है 29.1 करोड़, जिसमें से 8 प्लेयर्स टारगेट करने हैं। जी हाँ, उनके पास 8 अवेलेबल स्लॉट्स हैं, जिसमें से 2 ओवरसीज प्लेयर्स के स्लॉट खाली हैं पंजाब के पास। उनके टारगेट होंगे पैट कमिंस, डेरल मिचल, शिवम मावी, प्रदीप रंजन पॉल। चलिए अब बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, यानी कि आरसीबी की टीम की। आरसीबी की कमान होगी फैब डू प्लेसिस के हाथों में, और आरसीबी के पास फिलहाल 18 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 4 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, और उन्होंने रिलीज़ किया है अविनाश सिंह, डेविड विली, फिन एलन, हर्षल पटेल, जोश हेजलवुड, केदार जाधव, माइकल ब्रेसवेल, सिद्धार्थ कौल, सोनू यादव, वनिंदु हसरंगा और वैन पर्नेल को। जी हाँ, 11 प्लेयर्स हैं जिन्हें आरसीबी ने रिलीज़ किया है, और उनके पास अवेलेबल स्लॉट हैं सबसे अधिक, यानी कि 40.75 करोड़, और इन्हीं 40.75 करोड़ में उन्हें पिक करने हैं 7 प्लेयर्स। आरसीबी के पास 7 स्लॉट्स खाली हैं, जिसमें से 4 ओवरसीज प्लेयर्स पिक करने हैं आरसीबी को, और उनके टारगेट होंगे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, मुजीबुर रहमान, कार्तिक त्यागी और वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र।
तो चलिए अब बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के पास फिलहाल 17 प्लेयर्स है, जिसमें से 5 ओवरसीज प्लेयर्स पिक करने हैं उन्हें। और राजस्थान रॉयल्स की कमान होगी उनके कप्तान संजू सैमसन के हाथों में। और राजस्थान रॉयल्स ने जिन प्लेयर्स को रिलीज़ किया है वो हैं अब्दुल पीए, आकाश वशिष्ठ, जैसन होल्डर, जो रूट, केसी करियप्पा, के मासिफ, कुलदीप यादव, जी हाँ कुलदीप यादव फास्ट बॉलर, मुरुगन अश्विन और ओबेड मैकॉय। इन प्लेयर्स को रिलीज़ करने के बाद जो अवेलेबल पर्स है राजस्थान रॉयल्स के पास वो है 14.5 करोड़, और इनमें से उनके पास जो अवेलेबल स्लॉट्स हैं वो है 8, जिसमें से 3 ओवरसीज प्लेयर्स पिक करने हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम को। तो राजस्थान रॉयल्स का रिमेनिंग पर्स है 14.5 करोड़ और अवेलेबल स्लॉट है उनके पास 8, जिसमें से 3 ओवरसीज प्लेयर्स पिक करने हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम को। और उनके टारगेट होंगे हैरी ब्रुक, जिमी निशम, डैरल मिचेल, गस एटकिंसन और उमेश यादव। तो इन प्लेयर्स के लिए ज़रूर जाना चाहेंगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। तो चलिए अब आखिर में बात करेंगे सनराइज़र्स हैदराबाद की टीम के बारे में। सनराइज़र्स हैदराबाद की बात करें तो उनकी कमान होगी एडन मार्करम के हाथों में, और उनके जो फ़िलहाल अवेलेबल प्लेयर्स हैं वो हैं 19, जिसमें से 5 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। और उन्होंने रिलीज़ किया है आदिल रशीद, अकील हुसैन, हैरी ब्रुक, कार्तिक त्यागी, समर्थ व्यास और विभ्रांत शर्मा को। तो इन 6 प्लेयर्स को रिलीज़ किया है सनराइज़र्स हैदराबाद की टीम ने, और उनके पास अवेलेबल पर्स है 34 करोड़। सनराइज़र्स हैदराबाद के अवेलेबल स्लॉट की बात करें तो उनका अवेलेबल स्लॉट है 6, जिसमें से 3 ओवरसीज प्लेयर्स के स्लॉट खाली हैं सनराइज़र्स हैदराबाद के पास। और इसी 34 करोड़ में से जिन प्लेयर्स को टारगेट करेंगी सनराइज़र्स हैदराबाद की टीम वो होंगे शाहरुख खान, जो कि मिडिल ऑर्डर के हार्ड हिटर हैं, करुण नायर, जैसन होल्डर, वनिंदु हसरंगा, रचिन रविंद्र और डैरल मिचेल को। तो इन प्लेयर्स को जरूर से टारगेट करना चाहेंगे सनराइज़र्स हैदराबाद की टीम। तो दोस्तों ये रहा IPL 2024 के 10 टीमों का स्क्वाड, उनका रिटेंशन लिस्ट और जो रिलीज्ड प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट। और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से प्लेयर्स होंगे जिनको टारगेट करना चाहेंगी IPL की ये 10 टीमें, और कल का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे 1 बजे से। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिन्हें टारगेट करेंगी आपकी फेवरेट टीम? फिलहाल मेरी फेवरेट टीम है MS धोनी की CSK। आप भी बताइए कमेंट करके कि आपकी कौन सी फेवरेट टीम है और कौन सी टीम किन प्लेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाएंगी। और इस ऑक्शन में मेरे ख्याल से जो मोस्ट पॉपुलर पिक होंगे वो होंगे ट्रेविस हेड, रचिन रविंद्र, शार्दुल ठाकुर और जेराल्ड कोटजिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिन्हें हाईएस्ट बिड मिलेंगे और कौन कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिन्हें कि अनफॉर्चुनेटली IPL ऑक्शन में अनसोल्ड ही रहना पड़ेगा? तो दोस्तों ये था इन सारे टीमों का लेखा जोखा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए एंड सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।